हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं आप लोगों को दीक्षा ऐप पे लॉगिन करना सिखाऊंगी। दीक्षा ऐप पे लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पे दीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले मैं प्ले स्टोर ओपन करती हूँ और वहाँ से मैं दीक्षा ऐप डाउनलोड करती हूँ। यहाँ मैं सर्च बटन पर दीक्षा ऐप टाइप करूँगी और अभी ये दीक्षा ऐप इंस्टॉल करूंगी मैं। अभी आपका इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा वैसे यहाँ पे हमें ओपन का ऑप्शन शो होने लगेगा। अभी ओपन ऑप्शन शो हो रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया। और अब ओपन होने के बाद मैं इस ऐप में लॉगिन करूंगी। आप लोग को लॉगिन करना बताऊंगी। तो सिंस मुझे सीबीएसई बोर्ड के लिए चूज करना है तो मैं अपनी लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर रही हूँ। आपको हिंदी चूज करना है, हिंदी चूज करो, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज जो आपको कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। नाउ कंटिन्यू। इसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स, टीचर हो तो टीचर, हेड टीचर ऑन ऑफिशियल, या फिर कुछ कोई और अदर पर्सन हो तो आप अदर का ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैं एक टीचर हूँ तो मैं टीचर का ऑप्शन चूज करूंगी। ना भी मुझे यहाँ पर अगर मेरे पास क्यूआर कोड होता तो मैं क्यूआर कोड स्कैन कर लेती, लेकिन चूंकि हमारे पास क्यूआर कोड नहीं है इसलिए हम लोग सीधा बोर्ड में आएंगे और सेलेक्ट बोर्ड करके अपना लॉगिन स्टार्ट करेंगे। मैंने बोर्ड अपना सीबीएसई और एनसीईआरटी कर लिया चूज। नाउ सबमिट। अब यहाँ मैं बाकी डिटेल फिल कर दूंगी। मीडियम मेरा इंग्लिश मीडियम, क्लास मेरी 6 to 8 क्लास है तो 6, 7, 8 मैं चूज कर देती हूँ यहाँ पे। नाउ सबमिट एंड देन कंटिन्यू। अभी हमारा प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो गया सक्सेसफुली। अभी आपने इस तरीके से दीक्षा ऐप में लॉगिन कर लिया। अब यहाँ से आपको अगर कोई कोर्स करना है तो ये आपका कोर्स बटन है, कोर्स बटन पर हम जाएंगे। यहाँ पर कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, आप उसको इजीली कर सकते हो और उनके सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे आएंगे जो कैंडिडेट प्रोफाइल का बटन है उस पे, और इसमें नीचे आपको सर्टिफिकेट शो होंगे। अभी मैंने कोई कोर्स नहीं किया है इसलिए मुझे सर्टिफिकेट नहीं शो हो रहा। यहाँ ऊपर मेरे प्रोफाइल डिटेल शो होगी और नीचे सर्टिफिकेट शो होगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू लॉग इन दीक्षा ऐप। थैंक यू फ्रेंड्स।